नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं रामनवमी के बारे में कि इस साल कब है रामनवमी, रामनवमी के दिन हवन की पूजन सामग्री क्या क्या लगती है और कैसे मनाते हैं रामनवमी, रामनवमी का शुभ मुहूर्त कब है, राम जन्म कथा, रामनवमी हवन विधि, रामनवमी पूजन, रामनवमी का महत्व और रामनवमी का इतिहास। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज आपको ये सारी जानकारियाँ देने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 13 अप्रैल से माँ दुर्गा का चैती नवरात्र पर्व शुरू हो चुका है। इसी के साथ विक्रमी संवत सन 2078 का भी प्रारंभ हो चुका है, जिसे हिंदू नव वर्ष भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि चैती नवरात्र को ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। आपको बता दें कि नवमी तिथि पर रामनवमी मनाने का परंपरा भी होती है। इसी दिन भगवान राम जी का जन्म भी हुआ था। ऐसे में 21 अप्रैल को रामनवमी पर रही है, साथ ही साथ अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का भी विशेष मुहूर्त पर रहा है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में। आपको बता दें कि सोमवार को 19 अप्रैल को सप्तमी तिथि पर रही है। यह मध्य रात्रि 12:01 तक मनाई जाएगी। इसके बाद 20 अप्रैल को अष्टमी तिथि का आरंभ हो जाएगा, जबकि 21 अप्रैल को नवमी तिथि शुरू हो रही है, जिस दिन रामनवमी पर्व मनाई जाएगी। इसका शुभ मुहूर्त मध्य रात्रि 12:35 तक ही रहने वाला है। ऐसे में धार्मिक मामलों के जानकारों की माने तो अष्टमी व नवमी दोनों दिन कन्या पूजन के लिए सही समय पर रहा है। राम नवमी का त्यौहार भगवान विष्णु के सातवें अवतार भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाकाव्य रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, लेकिन बहुत समय तक कोई भी राजा दशरथ को संतान नहीं हो पाया था। भगवान राम का जन्म धरती पर दुष्ट प्राणियों को खत्म करने के लिए हुआ था। दोस्तों, चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर कैसे मनाया जाता है रामनवमी। भगवान श्री राम को मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। उन्हें पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ पुरुष की संज्ञा दी जाती है। वे स्त्री पुरुष में भेद नहीं करते। अनेक उदाहरण हैं जहां वे अपनी पत्नी सीता के प्रति समर्पित व उनका सम्मान करते नजर आते हैं। वे समाज में व्याप्त ऊंच नीच को भी नहीं मानते। सबरी के जूठे बेर खाने का और केवट की नाव चढ़ने का उदाहरण इसे समझने के लिए सर्वोत्तम है। वेद शास्त्रों के ज्ञाता और समस्त लोकों पर अपने पराक्रम का परचम लहराने वाले विभिन्न कलाओं में निपुण लंकापति रावण के अहंकार के किले को ध्वस्त करने वाले पराक्रमी भगवान श्री राम का जन्मोत्सव देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम की भक्ति में डूबकर भजन कीर्तन किए जाते हैं, श्री राम कथा सुनी जाती है, रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, श्री राम स्रोत का पाठ किया जाता है। कई जगहों पर भगवान श्री राम की प्रतिमा को झूले में झुलाया जाता है। रामनवमी को उपवास भी रखा जाता है। मान्यता है कि रामनवमी का उपवास रखने से सुख समृद्धि आती है और पाप नष्ट होते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम आपको रामनवमी की इतिहास और इसके कथा के बारे में समझाते हैं। रामनवमी का त्यौहार हर साल मार्च अप्रैल महीने में मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामनवमी का इतिहास क्या है? रामनवमी का त्यौहार पिछले कई हजार सालों से मनाया जा रहा है। रामनवमी का त्यौहार भगवान विष्णु के सातवें अवतार भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाकाव्य रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, लेकिन बहुत समय तक राजा दशरथ को कोई भी संतान नहीं हुआ, जिससे राजा दशरथ बहुत परेशान रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने कमेष्टि यज्ञ कराने को कहा। इसके पश्चात राजा दशरथ ने महर्षि रुष्या सरुंगा से यज्ञ कराया। यज्ञ समाप्ति के बाद महर्षि ने
दशरथ की तीनों पत्नियों को एक एक कटोरी खीर खाने को दी। खीर खाने के कुछ महीने बाद ही तीनों रानियां गर्भवती हो गई। ठीक 9 महीने बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने राम को, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। भगवान राम का जन्म धरती पर दुष्ट प्राणियों को खत्म करने के लिए हुआ था। दोस्तों चलिए अब हम आपको राम नवमी के महत्व के बारे में समझाते हैं। यह पर्व भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्र की समाप्ति भी हो जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, अतः इस शुभ तिथि को भक्त लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं एवं पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य के भागीदार होते हैं। राम जन्म कथा। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने मृत्युलोक में श्री राम रूप में अवतार लिया था। श्री रामचंद्र जी का जन्म चैत्र शुक्ल की नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र तथा कर्क लग्न में रानी कौशल्या की कोख से राजा दशरथ के घर में हुआ था। दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं रामनवमी की पूजन विधि, किस तरह से हमें रामनवमी के दिन पूजा करना चाहिए। रामनवमी के त्यौहार का महत्व हिंदू धर्म सभ्यता में महत्वपूर्ण रहा है। इस पर्व के साथ ही माँ दुर्गा के नवरात्रों का समापन भी होता है। हिंदू धर्म में रामनवमी के दिन पूजा अर्चना की जाती है। रामनवमी की पूजा में पहले देवताओं पर जल, रोली और लेपन चढ़ाया जाता है। इसके बाद मूर्तियों पर मुट्ठी भर के चावल चढ़ाए जाते हैं। पूजा के बाद आरती की जाती है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आपको रामनवमी का शुभ मुहूर्त बता देते हैं कि इस बार रामनवमी का शुभ मुहूर्त कब है। नवमी तिथि आरंभ 21 अप्रैल 2021 को 12:43 से, नवमी तिथि समाप्त 22 अप्रैल 2021 को 12:35 तक। नवमी पूजा शुभ मुहूर्त 21 अप्रैल की सुबह 11:02 से दोपहर 1:38 तक, कुल 2 घंटे और 36 मिनट की अवधि। रामनवमी मध्याह्न समय दोपहर 12:20 पर। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं रामनवमी के दिन हवन की पूजा सामग्री क्या क्या लगती है। रामनवमी 2021 के दिन हवन के लिए आपको पूजा सामग्री के तौर पर आम की लकड़ी, पीपल का तना, आम के पत्ते, नवग्रह की लकड़ी, पंचमेवा, जटाधारी नारियल, कपूर, तिल, छाल, बेल, चंदन की लकड़ी, मुलेठी की जड़, अश्वगंधा, नीम, चावल, गाय की घी, इलायची, शक्कर, लौंग, गुलर की छाल, जौ, गोला, ये सारी चीज़ें आपको लगेगी। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं इस साल रामनवमी के दिन हवन विधि क्या है, किस तरह से हवन करें। एक किस तरह की सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, पति पत्नी साथ में पूजा के लिए बैठें, हवन कुंड का निर्माण स्टील के बर्तन या ईंट से करें, आम की सूखी टहनियां कपूर घी आदि से अग्नि को प्रज्वलित करें, बारी बारी से सभी देवताओं के नाम से आहुति दें। आपको बता दें कि हवन कुंड में 108 बार आहुति देना शुभ माना जाता है। हवन समाप्त होने के पश्चात भगवान राम की आरती उतारें और उन्हें भोग लगाएं। दोस्तों ये था रामनवमी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। दोस्तों रामनवमी जो कि पूरे देश, पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन इसके बारे में जानना समझना बेहद ही ज़रूरी होता है। जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है, जो बातें आपको मैंने बताया है, उस पर आप गौर करें। अगर रामनवमी के दिन सही तरीके से भगवान श्री राम की पूजा की जाए तो उसका महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है और भगवान श्री राम की कृपा भक्तों पर बनी रहती है। दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।